गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल है उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आज हम उसको बताएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ए पेयर ऑफ ओवरी। जो फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। सेक्स ऑर्गन्स में क्या है, वन पेयर ओवरीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वन पेयर ओवरीज होती हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन द डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड सर्विक्स एंड वेजाइना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को अगर हम समझते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, तो डक्ट सिस्टम होती हैं। डक्ट सिस्टम मींस, डक्ट मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं। फेलोपियन ट्यूब्स की इम्पुला में जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यूटेरस पियर शेप स्ट्रक्चर्स हैं। अभी हम उसको डायग्राम में शो करेंगे, तो आप उसको समझिएगा। सर्विक्स एंड वेजाइना, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो अपर पार्ट है उसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। नेक्स्ट जिससे मिल्क सिक्रीट होता है उस पार्ट को, ग्लैंड्स को हम मैमेरिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी क्या है। स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी में क्या होता है, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन डेट प्रोड्यूस फीमेल गैमिट एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो फीमेल गैमिट्स को प्रोड्यूस करती हैं और सेवरल डिफरेंट स्टेरॉयड हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती हैं। द पार्ट क्लोजर टू ओवरी एंड फनल शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इनफंडिबुलम हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरी। ओवरी की पार्ट में एक फनल शेप स्ट्रक्चर्स होता है जो बहुत क्लोज होता है, उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिमरी कहा जाता है। इनफंडिबुलम लीड्स टू एम्पुला एंड ज्वाइंट विथ यूटेरस विथ स्थमस। इनफंडिबुलम, ये एम्पुला, इनफंडिबुलम से एम्पुला ज्वाइंट होती है, उससे रिलेटेड ज्वाइंट विथ यूटेरस, जो यूटेरस के साथ में ज्वाइंट होता है, और स्थमस। यूटेरस इज पेयर शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वॉम्ब। यूटेरस एक पेयर शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिसको वॉम्ब बोलते हैं, उसको वॉम्ब हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। यूटेरस एक वेजाइना के थ्रू, नैरो सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है। अभी हम डायग्राम में बताएंगे कि इसके डायग्राम में कौन से कहां पर कैसे पार्ट हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स कैनाल एलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। जो सर्विक्स कैनाल हैं वो वेजाइना मतलब बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बर्थ कैनाल बनाते हैं, मतलब जिस कैनाल के थ्रू बच्चों का प्रोडक्शन होता है, रिलीज होते हैं। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज थ्री लेयर ऑफ टिश्यू। जो यूटेरस के वॉल है उसमें थ्री लेयर टिश्यू होते हैं, थ्री पार्ट्स होती हैं। अब थ्री पार्ट्स क्या है, पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स जो चिकना मसल्स होता है, फ्लेशी मसल्स होते हैं जो थिक लेयर्स होती हैं। इंडोमेट्रियम इनर लाइन होती है, लाइन द यूटेरस वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ये इनर वॉल्स होती हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, ये मतलब ये साइक्लिक चेंजेस इसमें होती रहती हैं। अब इसमें हम डायग्राम की बात करेंगे कि इसका डायग्राम कैसा होता है, तो डायग्राम पे हम फोकस करते हैं। यूटेरस इज ए पियर शेप स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं कि ये पियर शेप के जैसा है, नाशपाती के जैसा स्ट्रक्चर्स है, जिसमें आउटर पार्ट क्या है, आउटर पार्ट इज यूटेराइन फंडस एंड लोअर पार्ट वेजाइना, साइड वाइज पार्ट सर्विक्स एंड इनर पार्ट कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल नेक्स्ट जो पार्ट है इसको आप देख रहे हैं, फिमरी।
इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ये फनल शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं और फनल शेप स्ट्रक्चर्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अभी हमने थ्योरी में बताया आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्ब्री। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जो ओवरी है वो अटैच होती है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है, यानी विद इन मंथ में मेंसेस के टाइम पर उसके बाद में 15 डेज में वन एग यहां से रिलीज होती है। और जब एग रिलीज होता है तो कहां पर पहुंचता है, इनफंडिबुलम में, और ये धीरे धीरे ये एम्पुला के पास पहुंचता है। एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, मींस फेलोपियन ट्यूब का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद देखते हैं कि आपको कि इसमें थ्री लेयर्स है, यूटेरस की थ्री लेयर्स हैं। थ्री लेयर्स, पेरीमेट्रियम, ये आउटर लेयर्स आप देख रहे हैं पेरीमेट्रियम, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सेकंड मिडिल पार्ट इज मायोमेट्रियम एंड इनर पार्ट इज इंडोमेट्रियम, मतलब ये इसमें थ्री लेयर्स हैं, वॉल की थ्री लेयर्स हैं। नेक्स्ट यहां पर देख रहे हैं एक मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको हाइमन मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और हाइमन मेम्ब्रेन्स के पास एक स्मॉल पोर होता है जिससे जो ब्लड है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लड है इस पोर के थ्रू रिलीज होता है। ये कंप्लीट पार्ट को हाइमन मेम्ब्रेन कवर किए रहता है। इसमें लास्ट लोअर पोर्शन में आप देख रहे हैं कि ये वेजाइना की ओपनिंग है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर पॉइंट में आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने जो वर्ड, एक नाम हमने जो ऐड किया इसमें, एम्पुला इनफंडिबुलम इस्थमस, ये कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब्स की स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम देखते हैं कि मॉन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ये कम्प्लीटली पार्ट्स होते हैं। लेबिया मेजोरा प्यूबिस रीजन अपर पार्ट जिसमें हेयर्स होती हैं, लेबिया मेजोरा ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन एंड क्लाइटोरिस ये कम्प्लीट एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स हैं। मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिस हेयर। जो मॉन्स प्यूबिस ये रीजन है वो फैटी टिश्यू से कवर्ड होता है, मतलब एक स्किन के थ्रू फैटी टिश्यूज होते हैं जो कवर होते हैं जिसमें प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होता है। द लेबिया मेजोरा आर फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड दी वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा एक फ्लेशी फोल्ड टिश्यूज की, मतलब टिश्यू की बनी होती है, टिश्यूज होती हैं जिसमें एक्सटेंड डाउन की तरफ मॉन्स प्यूबिस रीजन में आप देख रहे हैं कि ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ये और ये सराउंडेड होती है। द लेबिया माइनोरा आर फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन मेम्ब्रेन। अभी हमने बताया आपको कि वेजाइना ये एक पार्शियली मेम्ब्रेन के थ्रू, टेम्परेरी मेम्ब्रेन के थ्रू ओपनिंग होती है जिसको हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं। द क्लाइटोरिस इज ए टाइनी एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके अपर पार्ट में फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होता है, एक टाइनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होता है जिसको मतलब हम क्लाइटोरिस कहते हैं। ये क्लाइटोरिस ये लेबिया मेजोरा और ये इसमें जो ओपनिंग होती है उसके मिडिल पार्ट के जंक्शन पे ही ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम फंक्शन ऑफ यूटेरस की अगर हम बात करें कि जो यूटेरस के फंक्शन क्या हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूटेरस प्रोवाइड साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी ब्लास्टोसिस्ट जो टिश्यूज हैं जो मल्टीप्लाइज करते हैं, फेलोपियन ट्यूब से मूव करती हैं यूटेरस की तरफ, उसकी इम्प्लांटेशन का साइट प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा मदर एंड फीटस के मिडिल पार्ट के कनेक्टिव टिश्यू है जो जिसके थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होते हैं, और जिससे न्यूट्रिटिव मटेरियल बच्चे को रिलीव
प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग ऑफ फीटस, जो फीटस डेवलप करता है, जो इम्ब्रियो जो बेबी यूटेरस में डेवलप करता है उसको सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन ऑफ ओवरी, प्रोड्यूसेस एग सेल्स, जो ओवरी है वो एग सेल को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होती है ओवरी से, जो प्रेगनेंसी को कंप्लीट ये कंट्रोल करती है और ये फीटस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड टू थिकन द वॉल ऑफ एंड यूटेरस, जो एस्ट्रोजन है वो जो थिक वॉल है यूटेरस के थिक वॉल से ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होती हैं, एंड इट आल्सो एक्टिवेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल अदर करेक्टरिस्टिक्स, जो सेक्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल्स के अब उसको अदर डेवलपमेंट में भी एक्टिवेट होते। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब यूटेरस की जो लाइनिंग है वो प्रेगनेंसी के टाइम ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मेंटेन।